राहुल दरवाजा बंद करो। ये तो किसी हॉरर फिल्म का सेट लगता है यार। विकी ना किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा खतरनाक है। देखो ना कैसी कैसी चीजें जमा करके रखी है। ये क्या है? क्रिस्टीन मेरी फोटो? ये औरत तो हमारी फैमिली के पीछे पड़ गई है। वो देखो उधर क्या है? ये तो बहुत पुराना लगता है। लगता है विकीना का खजाना इसी में है। उसका खजाना भी उसकी तरह डरावना ही होगा। कुछ तो है इसमें जो उसने छुपाया है। लॉक तोड़ के देखते हैं। ये तो रूस मैदान की किताब है। तुम्हें याद है शॉन, मेजो आंटी ने कहा था ये सिर्फ दो ही किताबें हैं, एक तुम्हारे सामने और दूसरी यहाँ। इसका मतलब विकीना काली शक्ति की मदद से यहाँ कुछ ना कुछ करने वाली है। और भी कोई निशान होंगे यहाँ, चलो ढूंढते हैं। मम्मी बना के क्यों रखा? उसी ने इसको मारा होगा। हाँ, इसका दूसरा हाथ कहाँ पर है? अब मुझे समझ में आया कि विकीना ने इस बॉडी को यहाँ क्यों रखा। वो इस बॉडी के पार्ट्स उस पुतले में जोड़कर उसमें जान डालने की कोशिश कर रही है। हमें उसे रोकना ही होगा। चलो चलो। हाँ। हिम्मत कैसे हुई मेरे कॉटेज में आके मेरी किताब चुराने की? क्या हुआ? तुम इस बुक में देखो क्या है। ओके। जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो, क्या लिखा है इसमें? भी नहीं लग रहा। क्या करें अब? विकीना ने इसी किताब की मदद से बुरी आत्मा को बुलाया है, तो उसे वापस भेजने का तरीका भी इसी किताब में होगा। अब हमें बस मेजर आंटी बचा सकती है। मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। हाँ। क्या रूस मैदान की दूसरी किताब विकीना के पास है? तभी सारी बुरी शक्तियाँ उसमें आ गई है। हाँ, मैंने खुद उस पुतले की आंखों में खून के आंसू देखे हैं, और ये सब उस पुतले से विकीना करवा रही है। सानिया, ये सब गड़बड़ वहाँ कितने दिनों से चल रही है? पता नहीं। सबसे पहले विकीना का पति कैलाश, जो उस रिसोर्ट का मैनेजर है, वो गायब हुआ। ये सब 3-4 हफ्ते पहले की बात है। 3-4 हफ्ते? और आज अमावस की रात है। जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो किताब कहाँ है? वो किताब मेरे पास है। उस किताब के आखिरी पेज को उल्टा पढ़ना शुरू करो। लेकिन आखिरी पेज में क्या है? उसमें जो कुछ भी है सब पढ़ डालो। अगर विकीना ने उस पुतले को जिंदा कर दिया तो फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ समझ आ रहा है? सानिया, प्लीज जल्दी करो। सानिया, कम ऑन, कम ऑन सानिया, कोशिश करो। कुछ समझ आ रहा है? बोलो सानिया, कम ऑन, यू कैन डू इट, कम ऑन सानिया। Thank you.
मेरी किताब कैसे चुराई है। लाओ इसे दे दो मुझे। नहीं, तुम इस किताब की शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रही हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझे तुम? आज की रात मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा, ये सारी ताकतें मुझ में आ जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। कैलाश, इन सबको खत्म कर दो। कैलाश, कैलाश, आखिरी पन्ना। मेरी आंटी ने कहा था आखिरी पन्ना, आखिरी पन्ना, मगर ये तो आधा है। अब मैं क्या करूं? मेरी आंटी ने कहा था इसे उल्टा पढ़ना। शॉन, राहुल, तुम अभी जाओ और उस पुतले को बाहर रोको, जल्दी जाओ। हाँ। हंगामा किया है, इसके यहीं तो टुकड़े कर दे। जरूर मिलेगी। कैलाश, इन्हें भी ऐसे ही काटो जैसे तुमने रायन को काटा था। सानिया, इटू अंटुक सामुआ, नहीं नहीं, इसे तो उल्टा पड़ना है। राबा काटी सासा सहानी प्लाश तप्पम, जल्दी पढ़ो सानिया, इसे और जल्दी पढ़ो। नहीं, नहीं। सासा सहानी ना ना प्लाश को रोको सानिया, जल्दी। जल्दी पढ़ो सानिया, इसे और जल्दी पढ़ो। इटू अंटुक सामुआ ना प्लाड तप्पम राबा काटी सासा सहानी। मारो कैलाश, खत्म कर दो इसे। इटू अंटुक सामुआ राबा काटी, इटू अंटुक सामुआ राबा काटी, इटू अंटुक सामुआ राबा काटी, इटू अंटुक सामुआ राबा काटी सासा सहानी। रुजबेदान का उल्टा असर शुरू हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी 30 सालों की मेहनत इस तरह से बेकार नहीं हो सकती। कैलाश, मारो! मैं कैलाश हूं। मेरी बीवी ने मुझे मारकर मेरी आत्मा को इस पुतले के अंदर बंद कर दिया था। ये औरत खतरनाक है, इसके सर पर शैतान सवार है। इसकी इन्हीं शैतानी हरकतों की वजह से इसने इस पुतले का इस्तेमाल किया है। कैलाश, जाओ विकीना को मार डालो, जाओ। नहीं, तुम मर चुके हो, तुम वही करोगे जो मैं तुमसे करवाऊंगी। वापस जाओ, इसी वक्त वापस जाओ। नहीं,
नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम मेरे पति हो क्या? तुम मुझे प्यार करते हो? तुम मुझे नहीं मार सकते। नहीं 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 नहीं। ऐसे काम की यही सजा होती है। लेकिन सानिया, अगर ये पुतला फिर से चलने लगा तो? नहीं, मैं इस किताब को उस पुतले में फेंक देती हूँ ताकि इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाए। I knew it, सानिया, कि तुम उसे संभाल लोगी। लेकिन मैं कुछ देर के लिए डर गया था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। काश हम यहाँ पिछले महीने आ गए होते, तो आज रायन हमारे साथ होता। काश रायन ने मेरी बात टाली नहीं होती तो आज। वैसे आज हम सबको सानिया को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि अगर ये काली शक्तियों की काली किताबें नहीं पढ़ती तो वो स्केयरक्रो हम सबका कीमा बना देता। बिल्कुल। चलो गाइस, लेट्स मूव यार, कुछ खा लेते हैं।